हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिथिलास क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने किया था अबाउट बीसीडी कोड्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सेस थ्री कोड्स के बारे में और ग्रे कोड्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सेस थ्री कोड से। एक्सेस थ्री कोड्स बेसिकली ये ड्राइव किए जाते हैं बीसीडी कोड से। इनका अपना कोई मेथड नहीं है, बट जो हम बीसीडी कोड्स लिखते हैं हर एक डेसिमल डिजिट की रेस्पेक्ट में, जो 4-bit बाइनरी कॉम्बिनेशन हम लिखते हैं बीसीडी कोड्स, उसमें हर एक बीसीडी कोड में अगर हम 3 ऐड कर दें तो हमें एक्सेस थ्री कोड मिल जाता है। ठीक है, एक्सेस थ्री कोड्स कैन आल्सो बी रिटन एज XS3। ठीक है, पूरा नाम तो इनका होता है एक्सेस थ्री कोड। एक्सेस का मतलब 3 फालतू हैं, एक्स्ट्रा हैं, किस में? बीसीडी कोड्स में। ठीक है, तो इसको हम नॉन वैलिड कोड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिखे जाते हैं बीसीडी कोड की हेल्प से, इनका अपना कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द डेसिमल नंबर्स। एक्सेस थ्री कोड वर्ड्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द 8421 BCD codes। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बताया, तो मेरे पास एक डेसिमल नंबर है, ये 0 से लेके 9 तक हो सकता है। ठीक है, इस नंबर की रेस्पेक्ट में मैं क्या लिखता हूँ, उसकी 4-bit बाइनरी कॉम्बिनेशन, जिसको मैं 8421 BCD कोड बोल देता हूँ। ठीक है, उसमें मैं क्या ऐड करूँगा, 3। ये इक्वलेंट है 3 के, 001। उस नंबर में 3 ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेस थ्री कोड्स। ठीक है, एक्सेस थ्री कोड। तो टेबल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, ये मेरे डेसिमल डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक। हर एक डिजिट के रेस्पेक्ट में मैंने 4-bit बाइनरी कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, जो कि 8421 पैटर्न को फॉलो करता है। अब इन बाइनरी कॉम्बिनेशन की हेल्प से मुझे क्या लिखना है, एक्सेस थ्री कोड। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 की बात करूँ, तो 5 एक डेसिमल नंबर है, जैसे मैं इसमें 3 ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेस थ्री। ठीक है, तो 5 + 3 = 8 एक्सेस थ्री कोड है किसका, 5 का डेसिमल डिजिट में। बट मैं बाइनरी की बात करता हूँ, तो बाइनरी कॉम्बिनेशन में बेसिकली 5 के करस्पॉन्डिंग मैंने 4-bit कॉम्बिनेशन लिखा, दैट इज 0101। तो इसमें मुझे 3 ऐड करना है, तो 0101 में जब मैं 3 ऐड करूँगा 0011, तो क्या बन जाएगा, 110 carry 1 110 carry 1 110 carry 1 1। तो बेसिकली कितना हो गया, 8। तो डेसिमल में 5 + 3 = 8 बन रहा था, तो वहाँ पर मैंने बाइनरी कॉम्बिनेशन में ऐड किया 3, तो मुझे जो 8 का कॉम्बिनेशन होता है, 4-bit बाइनरी कॉम्बिनेशन जो 8 के लिए है, वो बेसिकली मुझे किस में मिल गया, एक्सेस थ्री कोड में। राइट, तो सिमिलरली आप 7 के लिए लिख सकते हो, 7 में 3 ऐड कर दूंगा तो एक्सेस थ्री कोड मिलेगा। तो 10 का जो बाइनरी कॉम्बिनेशन होता है वो एक्सेस थ्री कोड है किसका, 7 का। 7 के रेस्पेक्ट में उसमें 3 ऐड करो, यू विल गेट दिस नंबर। क्लियर, इन कोड्स को हम सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड भी बोलते हैं। दीज कोड्स आर नोन एज द सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स। इसका क्या मतलब हुआ, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड का मतलब होता है वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एक्सेस थ्री कोड। कोई भी एक्सेस थ्री कोड हम अभी लेके देखेंगे, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट अगर हम लें तो वो बराबर होगा एक्सेस थ्री कोड फॉर 9's कॉम्प्लीमेंट। राइट, जैसे कि कोई एक नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 लिया, तो 2 की रेस्पेक्ट में ये कह रहा है वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सेस थ्री कोड। राइट, एक्सेस थ्री कोड क्या है इसका, 2 का। ठीक है, मैं +2 की बात करता हूँ, तो इसका जो एक्सेस थ्री कोड है ये है बेसिकली 0101। ठीक है, तो इसका मैं लिखता हूँ वंस कॉम्प्लीमेंट, तो कितना बन जाएगा, 1010। तो ये वैल्यू बराबर आनी चाहिए, किसके बराबर आनी चाहिए, एक्सेस थ्री कोड फॉर 9's कॉम्प्लीमेंट, तो 2 का अगर 9's, क्योंकि 9's कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, डेसिमल की बात कर रहा हूँ मैं, r की वैल्यू क्या होती है, 10, तो r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट वो पूछ रहा है, तो मैं 9 - 2 कर दूंगा। सिंपल, मैंने बोला ना n 9's, हम रिपीट करते चलते हैं। अब यहाँ पे जो नंबर है कैपिटल n, वो तो क्या है, 2 है, तो 9 में से 2 माइनस जाएगा तो कितना बच गया, 7। तो बेसिकली ये 7 क्या है, 9's कॉम्प्लीमेंट। तो 7 के लिए जो एक्सेस थ्री कोड है वो क्या है, 7 के लिए एक्सेस थ्री कोड, दिस इज 1010। ठीक है, तो इनको इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड, मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एक्सेस थ्री कोड इक्वल्स टू द एक्सेस थ्री कोड फॉर 9's कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, कोई भी एक नंबर पकड़ लिया, फॉर एग्जांपल 2, तो उसका जो एक्सेस थ्री कोड है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, हमने यहाँ पर लिख लिया, वो आया 1010। ठीक है, फिर उस 2 जो डेसिमल नंबर था उसका 9's कॉम्प्लीमेंट लिखो, और वो जो डिजिट आएगी उसका एक्सेस थ्री कोड, एक्सेस थ्री कोड फॉर 9's कॉम्प्लीमेंट। तो 9's कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, 2 का, 7 आया, 7 का एक्सेस थ्री कोड क्या है, 1010। तो वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आगे चलते हैं,
एडिशन की बात कर लेते हैं, एडिशन ऑफ एक्सेस थ्री कोड नंबर्स। जैसे हमने बीसीडी कोड में दो नंबर ऐड किए थे, वही रूल्स हम यहाँ पर लगाएंगे एक्सेस थ्री कोड के लिए। बस हमें ध्यान ये देना है कि जो बीसीडी कोड में हमें डेसिमल नंबर दिया गया है, तो हर एक इंडिविजुअल डिजिट में हम 3-3 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 3 ऐड करने के बाद जो हमें सम मिलेगा, उस वो बेसिकली एक्सेस थ्री कोड में नंबर होंगे, उनके रेस्पेक्ट में उनका बाइनरी कॉम्बिनेशन हम लिखेंगे। रूल्स जो हम चलेंगे वो सारे के सारे बीसीडी में फॉलो करेंगे। सबसे पहला रूल ये है कि अगर सम लेस देन इक्वल्स टू 9 होगा, सम लेस देन इक्वल्स टू 9 होगा इन बीसीडी फॉर्म में, या कोई लोग, या फिर मैं कहूँ कि एनी निब्बल डज नॉट जनरेट एनी कैरी, कोई भी लोअर निब्बल से अपर निब्बल में कैरी जनरेट नहीं होगा, तो जो हमें नंबर मिलेगा वो कैसा होगा, एक्सेस 6 नंबर होगा। क्यों? क्योंकि पहला नंबर बी सी डी प्लस 3 है, दूसरा नंबर भी बी सी डी प्लस 3 है, तो जो आंसर मिलेगा वो किस में मिल जाएगा, एक्सेस 6 में मिलेगा। 3 और 3 6 ऐड हो रखे हैं ना नॉर्मल बी सी डी नंबर में, 6 एक्सेस 6 में वो हमें नंबर मिलेगा। तो अगर हमें नंबर को ओरिजिनल बाइनरी फॉर्म में लेके आना है, तो उसमें से हमें 6 माइनस करना पड़ेगा, ध्यान रहे, IES, ठीक है। अब हम बोलते हैं उसको ESC, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है एक्सेस थ्री कोड पे, कि अगर दो हमने एक्सेस थ्री नंबर्स को ऐड किया, सम लेस देन इक्वल्स टू 9 आता है, या फिर लोअर निब्बल से अपर निब्बल में कोई कैरी जनरेट नहीं होता है, तो वो जो आंसर आएगा, रिजल्ट जो होगा, वो एक्सेस 6 नंबर होगा, एक्सेस 6, ठीक है। तो यहाँ से दो कंडीशंस हैं, क्या कि अगर मुझे एक्सेस 3 में आंसर लिखना है तो मेरे को 3 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, टू रिटर्न टू एक्सेस 3 फॉर्म, सबट्रैक्ट 3 फ्रॉम द रिजल्ट, या फिर अगर मेरे को ओरिजिनल बाइनरी फॉर्म में इसको रिवर्ट करना है तो मुझे 6 माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगर सम ग्रेटर देन 9 होता है, 1001 इन बीसीडी फॉर्म, अगर सम 9 से बड़ा है, या फिर मैं कहूँ कि लोअर निब्बल से अपर निब्बल में कोई भी कैरी जनरेट हुआ, अगर कोई कैरी जनरेट होता है अपर निब्बल में, तो जो रिजल्ट है हमारा वो कैसा है, बीसीडी की फॉर्म में तो वो इनवैलिड कंडीशन में चला जाता है, ठीक है। तो इनवैलिड कंडीशन में जाने का मतलब क्या होगा एक्सेस थ्री कोड के हिसाब से, कि वो ओरिजिनल बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वी गेट रिजल्ट इन द बाइनरी फॉर्म, क्लियर। अगर सम ग्रेटर देन 9 आता है, या फिर कैरी जनरेट होता है फ्रॉम लोअर निब्बल टू अपर निब्बल, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो ओरिजिनल बाइनरी फॉर्म में होगा। तो हमें एक्सेस 3 में नंबर लिखने के लिए उस केस में 3 हमें ऐड करना पड़ेगा, टू रिटर्न टू एक्सेस 3 फॉर्म वी हैव टू ऐड 3। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली बात ये है, सम लेस देन इक्वल्स टू 9 होगा, सही है, सम अगर लेस देन इक्वल्स टू 9 आता है या कोई कैरी जनरेट नहीं होता है, तो नंबर हमें मिलेगा एक्सेस 6 में। यहाँ से अगर बाइनरी फॉर्म में आना है तो 6 घटाना पड़ेगा, 6 हमें सेपरेट करना पड़ेगा, और अगर हमें एक्सेस 3 में आना है तो 3 सेपरेट करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, कि अगर सम मेरा ग्रेटर देन 9 आता है, या फिर कैरी जनरेट होता है फ्रॉम लोअर निब्बल टू हायर निब्बल, तो जो रिजल्ट है वो ओरिजिनल बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो उस केस में मेरे को 3 ऐड करना पड़ेगा टू गेट आंसर इन एक्सेस 3 फॉर्म, ठीक है। यहाँ तक आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ तक एग्जांपल देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास दो नंबर हैं 28 और 36, ये हमने बीसीडी में फॉर्म में डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है बेसिकली अभी, तो 28 और एक नंबर है 36। तो बेसिकली 28 के लिए जो बाइनरी कॉम्बिनेशन बनता है वो क्या होगा, 0010, और 8 का क्या हो जाएगा, 1000। तो उसको पहले एक्सेस 3 में लिखूंगा तो सब में 3 ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी मेरे को 3 ऐड करना पड़ेगा और इसमें भी 3 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना मिल जाएगा, सबसे पहले मेरे को ये मिल गया और यहाँ पर 1011। तो मैंने ये कॉम्बिनेशन जो लिखा है 28 का एक्सेस 3 में लिखा है, तो 2 और 3 5 5 के रेस्पेक्ट में ये मिल गया, 8 और 3 11 ये मिल गया। सिमिलरली 36, तो 3 3 जा, यहाँ पे 3 ऐड करूँगा तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6, और 3 3 9, तो 6 के रेस्पेक्ट में बाइनरी कॉम्बिनेशन लिख लिया, और मैंने 9 के रेस्पेक्ट में यहाँ पर बाइनरी कॉम्बिनेशन लिख लिया। अब क्या करना है, इनका एडिशन करना है। तो देखो 110 कैरी 1 हो जाएगा, 110 कैरी 1, 101 और फिर 10 ये है, तो कितना जाएगा, सिंपल 1 आ गया, फिर 1101, तो यहाँ से एक कैरी जनरेट हुआ यहाँ पर इस प्लेस पे, ठीक है। तो इसने कैरी जनरेट किया लोअर निब्बल से हायर निब्बल में, तो अगर कैरी जनरेट होता है तो हमें रिजल्ट किस में मिलेगा, बाइनरी फॉर्म में। तो उस केस में एक्सेस 3 फॉर्म में जाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ता है, 3। तो इस नंबर में मैं 3 ऐड करूँगा ओरिजिनल एक्सेस 3 आंसर में जाने के लिए, क्लियर। आगे चलते हैं, 1 और 1 कितना हो गया, 0 कैरी 1, 110 कैरी 1, तो 110 011 कैरी 1, और ये 1 आ गया।
यहाँ पे कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। तो अगर बी सी डी फॉर्म की बात करता तो सम क्या होना चाहिए, लेस देन 9। तो बेसिकली यहाँ पर कितना है, 2 की जगह 2+3 5, डेसिमल में अगर मैं बात करूँ तो 28 3 6, तो 2 और 3 कितना आ रहा है, 5। तो डेसिमल फॉर्म में सम लेस देन 9 है, बिल्कुल सही है। या फिर एक्सेस 3 में अगर बात करूँ तो कैरी जनरेट नहीं होना चाहिए फिर लोअर नेबल टू हायर नेबल, तो यहाँ पे कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। इसका मतलब ये 4-बिट बाइनरी सीक्वेंस कैसी हैं, एक्सेस 6 में है। अगर कैरी जनरेट नहीं होगा तो हमारा आंसर जो मिलेगा वो किस में मिलेगा, एक्सेस 6 में मिलेगा। तो यहाँ पर एक्सेस 3 में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 3 माइनस किया है, यहाँ पर 3 मैंने ऐड किया है, तो जो नेट आंसर आएगा सॉल्व करके ये आपका एक्सेस 3 में आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ग्रे कोड्स की बात करते हैं। हमने यहाँ तक एक्सेस 3 कोड किए जो कि हमने बी सी डी कोड से ड्राइव किए गए थे, बी सी डी कोड में 3 को ऐड करके हमने लिखा। अब ग्रे कोड की बात कर लेते हैं। ग्रे कोड्स जो ड्राइव किए जाते हैं वो बाइनरी की हेल्प से किए जाते हैं, तो इसलिए इनको नॉन वेटेड कोड भी बोलते हैं, क्योंकि इनका भी अपना कोई फॉर्मूला नहीं है बेसिकली कि कोई, जैसे मैं कहूँ कि पोजिशनल वेट की हेल्प से मैं इसको लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द नॉन वेटेड बाइनरी कोड। क्लियर, सक्सेसिव कोड वर्ड्स डिफर इन ओनली 1 बिट। ग्रे कोड्स को हम मिनिमम 1 बिट चेंज कोड भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है कि जो भी मैंने एक कोड यहाँ पर लिखा, इससे अगला सक्सेसिव कोड जो बनेगा, तो ये 4 डिजिट्स हैं तो उसमें सिर्फ 1 डिजिट ही चेंज हो सकती है, वो किसी भी प्लेस की। तो लेकिन हम नियर बाय लेके चलते हैं, तो 0 के बाद अगली स्टेट क्या होगी, ये होगी। ठीक है, इनको साइक्लिक कोड्स भी बोलते हैं। एंड ग्रे कोड्स आल्सो नोन एज द सेल्फ रिफ्लेक्टिंग कोड। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि BSNL GTO के एग्जाम में इसको जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेसिकली वो रिफ्लेक्टेड कोड के टर्म्स में बात करते हैं, तो वो ग्रे कोड ही होते हैं हमारे। ठीक है, आगे चलते हैं, एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं ग्रे कोड्स की। सबसे पहली एप्लीकेशन तो देखो यही है कि जैसे हम एनालॉग डिजिटल कन्वर्ट करते हैं, हमारे पास जो रियल सिग्नल है वो सब एनालॉग ही नेचर है, तो हम उसको स्टोरेज पर्पस के लिए डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ पे हम उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, स्टोर हमने उसको कर ही लिया। उसके बाद जब उसको फर्दर यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमने हर एक सैम्पल्स को कुछ हमने बाइनरी बिट हमने उसको अलॉट की थी, तो जब सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट करें तो हमारा मैक्सिमम सिग्नल, या फिर मैं कहूँ कि हमारा एक्चुअल सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट होना चाहिए। तो उस केस में एरर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हर एक स्टेट को जब बिट असाइन करते हैं तो 2 कंसेक्यूटिव स्टेट्स के बीच में जो बिट में चेंज है वो सिर्फ 1 बिट चेंज होता है, दैट इज़ ओनली 1 बिट चेंज। अगर इस एक स्टेट को मैंने 0-0 से दिखाया है तो नेक्स्ट स्टेट होगी 0-1, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट होगी 0, मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ आपको, 0-0, 0-1, अगली स्टेट होगी 1-1 और फिर होगी 1-0, क्योंकि 0-1 के बाद 1 ही बिट चेंज हुआ, ये आ गया मेरे पास। इसके बाद मैं इसको लूँगा तो देखो दोनों बिट चेंज हो रही हैं, इसमें इस प्लेस की बिट भी चेंज हो रही है और इस प्लेस की भी, तो इसको नहीं लूँगा मैं। तो सबसे पहले मैं क्या लूँगा, 0-1 के बाद 1-1 और फिर 1-0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में क्या होगा, जो बिट में चेंज है वो सिर्फ एक सिंगल बिट चेंज हो रही है एट अ टाइम। क्लियर, दूसरा, ग्रे कोड्स आर यूज इन इंस्ट्रूमेंटेशन टू मेजर एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और जो कन्वर्जन है बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी, वो बहुत आसान है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर बेसिकली ग्रे कोड्स आर यूज टू मेजर एंगुलर रोटेशन। तो यहाँ पर जो मैंने एक एंगुलर यहाँ एक व्हील दिखाया है, तो उसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस पे को बिट असाइन किए हैं। तो जैसे सपोज मैंने इसको असाइन किया है यहाँ पर 000, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इस पहली जो स्टेट है, पहली जो पोजिशन है एंगुलर व्हील की, इसको मैंने 3 बाइनरी बिट से रिप्रेजेंट किया है 000 से। तो नेक्स्ट जो पोजिशन होगी उसको जो मैं बाइनरी कॉम्बिनेशन अलॉट करूँगा वो प्रीवियस स्टेट से सिर्फ 1 बिट चेंज होने चाहिए। ठीक है, उसमें ज़्यादा बिट चेंज नहीं होनी चाहिए, और वो भी हम नियर बाय लेके चलते हैं। तो 000 के बाद बिट चेंज होगी 001। इसके बाद मैं अगर नेक्स्ट उसकी स्टेट की बात करूँ, तो 0 को मैंने फिक्स रखा है, इस 1 को मैंने फिक्स रखा है, सिर्फ मैंने इस 0 को चेंज किया है, जिसकी जगह मैंने क्या प्लेस कर दिया, 1 प्लेस कर दिया मैंने यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट पे आता हूँ तो कितना हो जाएगा, 010। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर इस 1 को चेंज किया है, अगली बार इस 1 को मैंने फिक्स रखा और मैंने इस 0 की जगह ये 1 कर दिया, सिमिलरली दिस एंड दिस। तो ये मैंने एक टेबल यहाँ पर बनाई है। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो बिट चेंज हो रही हैं वो सिंगल बिट चेंज हो रही है एट अ टाइम, कभी भी मैंने 2 बिट चेंज ही नहीं किए हैं। क्लियर, जैसे मैं अगर बात करूँ 7 की, तो 7 के लिए 4 बिट कॉम्बिनेशन 0-1-1 होता है। अगर मैं 8 पे जाऊँ तो बेसिकली यहाँ पर चारों स्टेट चेंज हो गई, चारों बिट चेंज हो गई।
तो देखो, अगर 4 बिट एट अ टाइम चेंज हो रही हैं तो जब सिग्नल को हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि उसमें सिग्नल में एरर है या नहीं है, ठीक है? क्योंकि बाद में हम कुछ ऐसे टेक्निक्स भी पढ़ने वाले हैं अभी, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स, तो उसकी रेस्पेक्ट में भी एक बिट एक टाइम पे चेंज होनी चाहिए। तो वहाँ पे हम कुछ पैरिटीज़ भी यूज़ करते हैं, इवन पैरिटी, ओड पैरिटी, तो डिस्कस करेंगे हम कमिंग वीडियोज़ में, ठीक है? तो फिलहाल ग्रे कोड्स आर नोन एज अ मिनिमम 1 बिट चेंज कोड, आल्सो नोन एज अ रिफ्लेक्टेड कोड। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन 2006 का है ये। तो बेसिकली यहाँ पर एक बाइनरी कॉम्बिनेशन मुझे दिया गया है, ये मेथड्स आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। बाइनरी नंबर है 101011, ठीक है? तो मुझे इसकी रेस्पेक्ट में क्या लिखना है, ग्रे कोड लिखना है। तो ग्रे कोड लिखने का तरीका, हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है? तो सबसे पहली बिट को मैं एज इट इज़ लिख लूँगा, मैंने 1 लिख लिया। उसके बाद पहली बिट का दूसरी बिट के साथ क्या करूँगा, एक्सोरिंग, ठीक है? तो लॉजिक गेट्स हम पढ़ेंगे कमिंग वीडियोस में, फिलहाल एक्सोरिंग का ध्यान भी मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि जैसे ही 2 बिट के आप एक्सोरिंग कर रहे हो तो वो अगर दोनों सेम बिट हैं तो आउटपुट हमेशा 0 आता है। अगर 0-0 के एक्सोर करोगे या 1-1 का, तो आउटपुट हमेशा 0 आएगा। जैसे ही वो डिफरेंट बिट होती हैं 1-0 या 0-1, तो आउटपुट हमेशा 1 आता है, ठीक है? तो मैंने जैसे 1-0 के एक्सोरिंग करी तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। फिर मैं 0 और 1 की करूँगा एक्सोरिंग तो 1 मिल गया। फिर 1-0 की करूँगा तो 0-1, और 1-0, 1-1 की करूँगा तो क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है? तो ये मेरा क्या हो गया, बेसिकली ग्रे कोड हो गया विथ रेस्पेक्ट टू द गिवन बाइनरी। तो इसलिए इसको मैं नॉन वैलिड कोड बोलता हूँ, क्योंकि मैंने इसका पोजिशनल बिट का तो यूज़ नहीं किया। मैंने कुछ फॉर्मूले यूज़ किए, जो बाइनरी कोड है उसको मैंने कन्वर्ट किया है ग्रे कोड में, ठीक है? तो मतलब आप ध्यान रखोगे, लेफ्ट राइट मूव करेंगे, सबसे पहली बिट को एज इट इज़ कॉपी करेंगे, ठीक है? उसके बाद पहली बिट का दूसरी बिट से एक्सोरिंग करके सेकंड प्लेस पे, फिर दूसरी का तीसरी से एक्सोरिंग करेंगे, तीसरी का चौथी से एक्सोरिंग करेंगे, फोर्थ का फिफ्थ से, एंड सो ऑन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रे टू बाइनरी कन्वर्सन। एक नंबर मुझे दिया गया है ग्रे में, 1100101, ठीक है? बाइनरी की बात कर लेते हैं। तो बाइनरी में क्या क्या से हम करेंगे, सबसे पहले वाली बिट को, यहाँ भी हम लेफ्ट राइट चलेंगे, तो पहली बिट को तो एज इट इज़ मैंने कॉपी कर लिया, कोई इशू नहीं है। अब जो पहला आंसर आया, और यहाँ पे आप देखते जाइए, जो पहली बिट आई इसकी एक्सोरिंग करूँगा मैं नेक्स्ट बिट के साथ, जो नेक्स्ट बिट कौन सी है, ग्रे कोड में, और फिर आंसर मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो 1-1 की एक्सोरिंग करूँगा तो क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है? सिमिलरली जो आंसर आया उस आंसर की मैं नेक्स्ट बिट के साथ क्या करूँगा, एक्सोरिंग करूँगा, तो 0 के 0 से करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है? फिर इस 0 की एक्सोरिंग इसके साथ करूँगा तो क्या आएगा, अगेन 0 आ जाएगा। फिर इस 0 की एक्सोरिंग 1 के साथ तो क्या आ जाएगा, 1, और इस 1 की एक्सोरिंग फिर नेक्स्ट 0 के साथ तो कितना आ जाएगा, 1, और 1 की एक्सोरिंग 1 के साथ तो क्या आ जाएगा, 1। तो ये आया मेरा आंसर। क्लियर? इसको फिर से समझ लेते हैं। नंबर अगर दिया गया है, मैं 4 बिट लेता हूँ, ये नंबर है मेरा कोई, ठीक है? ये ग्रे में है, तो बाइनरी में लिखना है, तो पहले नंबर को तो एज इट इज़ लिख लो, लिख लिया। अब जो आंसर आया बाइनरी में, उसका नेक्स्ट ग्रे कोड की बिट के साथ एक्सोरिंग करके और आंसर लिख लो, तो 1-1 कितना जाएगा, 0। फिर इस आंसर की एक्सोरिंग करनी है नेक्स्ट ग्रे कोड की बिट के साथ, तो 0-0 के साथ करूँगा तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है? सिमिलरली 0 के 0 के साथ तो क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? मेथड क्लियर हो गया। बाइनरी टू ग्रे करोगे, पहले ही सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट को एज इट इज़ लिख लो, और फिर पहली बिट का दूसरी से एक्सोरिंग करते चलो, आंसर लिखते चलो। ये तो बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन है। ग्रे टू बाइनरी में पहली बिट को एज इट इज़ लिखो, ठीक है? जो बाइनरी में आंसर आया उस बिट का ग्रे कोड की नेक्स्ट बिट के साथ एक्सोरिंग करो और आंसर लिखो, और ये आपको मेथड आगे फॉलो करना है। आगे चलते हैं। टेबल, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन टेबल। तो इस टेबल में मैंने 0 से लेकर 15 तक के लिए लिखा गया है, ठीक है? ये टेबल है बेसिकली। ये मेरे पास कोई डेसिमल नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक। इसके बाद इसको मैंने नंबर लिख दिया बाइनरी में, B3, B2, B1, B0, और ग्रे कोड हो गया G3, G2, G1, G0,
ठीक है। तो जीरो से लेके ऐसी एक टेबल मैंने इधर बनाई हुई है, सेवन तक यहाँ पर है, फिर एट से लेके फिफ्टीन ये हो गया, ये बाइनरी नंबर हो गया, ये डेसिमल, ठीक है। तो कोई भी एक नंबर आप ले लेते हैं, मान लो मैंने फाइव लिया, तो उसके रेस्पेक्ट में पहले तो फोर बिट बाइनरी कॉम्बिनेशन लिख लिया आपने, क्लियर, ये पता ही है। फिर उस बाइनरी का मुझे क्या क्या लिखना है, ग्रे लिखना है। तो ग्रे कैसे लिखूँगा, पहली बिट को मैं एजिटिस लिखूँगा, जीरो को मैंने एजिटिस कॉपी कर लिया। फिर जो बाइनरी की पहली बिट और नेक्स्ट बिट का एक्सोरिंग करो आपस में, यहाँ पर इसकी नेक्स्ट बिट बन जाएगी, तो जीरो वन वन हो जाएगा, यहाँ पे वन जीरो की एक्सोरिंग करूँगा तो वन मिल जाएगा, जीरो वन और वन। तो दिस इज़ माई ग्रे कोड। अगर मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करूँ, मान लो मुझे एक ग्रे कोड ये दिया गया है 0011, तो इसी रेस्पेक्ट में मुझे क्या लिखना है, बाइनरी। तो पहली बिट, लेफ्ट मोस्ट पहली बिट तो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी, हो गई। इसके बाद जो ये आंसर आया इसका और ग्रे कोड के नेक्स्ट बिट की एक्सोरिंग, 00 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर जो आंसर आया बाइनरी में उसका ग्रे कोड की नेक्स्ट बिट से एक्सोरिंग, तो 0 और 1 1 आ गया। अब इसका नेक्स्ट बिट के साथ एक्सोरिंग, तो 1 1 क्या आ गया, 0। तो ये हमने रिवर्स मेथड देख लिया, क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। ऐसे ही आप 0 से लेके 15 तक और कोई भी बाइनरी नंबर आपको दिया गया है तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो बाइनरी को ग्रे में और ग्रे को बाइनरी में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अबाउट एरर डिडक्शन एंड करेक्शन कोड, ठीक है। सो फॉर फर्दर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मिथिलाज क्लासेस, अ ग्रेट प्लेस टू लर्न, लर्न एनी टाइम एनी वेर यू विश। थैंक यू।